तो ये हैं जखणी देवता, और हमारे पूर्वज दादा दादी लोग हमें बताते थे कि जब गोरखाओं ने यहाँ पे आक्रमण किए थे तो उसी टाइम उन्होंने जो हमारे जखणी देवता हैं भूम्याल देव। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, और आज एक नए ब्लॉग के साथ मैं अभी जा रहा हूँ ज़रा गाय हकाने के लिए, जो सुबह की शुरुआत होती है। और उसके बाद आज बहुत सारे काम हैं, तो मैं ये गायों को लेके जा रहा हूँ। गाय जा रही है मेरी, और यहाँ पे ज़्यादा दूर तो नहीं जाते हम घर से, 100-200 मीटर घर से नज़दीक ही हम इनको छोड़ के आ जाते हैं। और उसके बाद ये आराम से 2:30-3 बजे, कई बार तो 4 बजे ये आराम से आती हैं। आज मुझे खेतों में काम भी करना है, और माता जी का स्वास्थ्य आज ख़राब है, वो सतपुली चली गई, और मुझे प्याज के लिए क्यारियाँ बनानी हैं। और गांव से एक भाभी को बुलाया हुआ है, और यहाँ पे एक ट्रैक्टर आ रहा है, दिखाता हूँ मैं तुम्हें। और ये आ रहा है ट्रैक्टर, ये कंप्रेसर मशीन है। और इस सुबह का नज़ारा, ये सूर्य नारायण जी, और घर के पीछे से ये व्यू। और अब मैं जा रहा हूँ घर पे, बहुत सारे काम हैं, देखते हैं आज और क्या क्या काम रखे हुए हैं। और अभी डिसाइड भी ये करना है कि बकरियों में कौन जाएगा। अगर पिताजी बकरियों में जाएंगे तो मैं खेत बनाऊंगा, और अगर वो नहीं जाएंगे तो मैं फिर पहले बकरियों में जाऊंगा, तब तक जो गांव से बुलाई हुई हैं तो वो तब तक खेत को बनाएंगे, और मैं अपनी 2-2.5 बजे बकरियां लेके फिर घर आऊँगा, और उनके साथ फिर खेत में क्यारियां बनाऊँगा। मेन रोड ये पंप हाउस है, और यहाँ से जब हम नीचे उतरते हैं तो ये है हमारा घर। यहाँ पे हम लोग जो इंटीग्रेटिंग फार्मिंग होती है उस पर भी काम कर रहे हैं। और ये जो आजीविका है उसका बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ पे क्या क्या हम लोग एक्टिविटियाँ करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। और ये पॉली हाउस है, पीछे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मशरूम के लिए कमरा बनाया हुआ है, अभी मशरूम लगाई तो नहीं है। तो ये है हमारा घर, और एक गेट से अंदर एंट्री, ये बछिया, और एक गौशाला है, और ये है घर। और यहाँ पर रिद्धि मनीष भाई जी के साथ बैठी हुई है, और रुद्रा एक गाड़ी चला रहा है, देखिए आप। तो मैं तो अभी जा रहा हूँ बकरियों में, और भाभी जी हमारी आ चुकी हैं कि जो यहाँ पे खेत बना रहे हैं। और ये है पीछे, ये नीलम खड़ी है, ये देख रहे हैं खेत बन रहा है, और ये पूरे खेत में हम प्याज लगाएंगे इसमें। ये पूरा जो खेत है ये कुछ हमने कल शाम को बना दिया था, और बाकी आज बनाएंगे इसे। और मैं यहाँ पे अपनी बकरियों के साथ आ गया हूँ, और जो नीचे दिखाई दे रहा है मेरा गांव है, ये है मेरा गांव भट्टी गांव। और हमारा जो पुराना मकान था वो यहीं था, अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। बड़ा पत्थर है, उस पर चढ़ा हुआ, और यहाँ पे पीछे ये बकरियाँ चल रही हैं, और यहाँ पे बैठा है ये बीपी भाई। ये बीपी भाई है,
और यहाँ पे ये बकरियाँ चर रही हैं। अभी हमने माल्टा खाया और मैं दिखाता हूँ आपको जिस पत्थर में मैं खड़ा हूँ। ये था वो पत्थर, इसके नीचे दो छोटी छोटी चिनखियाँ जो बीबी भाई की हैं। मेरी चिनखियाँ तो अभी घर पे ही हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और यहाँ से मैं अभी जा सकता हूँ जखनी देवता, जो कि हमारा भूमियाल देवता है। और ये कहा जाता है कि वहाँ पे दिखते भी हैं वो चिन्ह, अगर जहाँ तक बात की जाए कि गोरखा जो होते थे नेपाली, जब उनका राज था यहाँ, तो जब वो उत्तराखंड में आए थे तो वहाँ पे वो देवता जो जखनी देवता है, वो रात को लोगों को आवाज़ लगाता था कि भाई लोग अपने अपने बच्चों को संभाल के रख दें, क्योंकि वो लोग क्या करते कि बच्चों को उठा के ले जाते थे, उनको मार देते थे। तो वो देवता वहाँ पे आवाज़ लगाता था कि भाई अपनी अपनी गाय बच्चों को लोग अपने अपना छिप जाएं, अपने बच्चों को छुपा दें। तो उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने देखा कि यहाँ से कोई आवाज़ मारता है, वो फिर यहाँ छुप गए और यहाँ से आए वो। और उन्होंने जो हमारा भूमियाल देवता, तो वो गुफा के अंदर जैसे घुस रहे थे तो पीछे से उनके पैर काट दिए हैं। और मैं वहाँ पर जा रहा हूँ जहाँ पर वो जखनी देवता हैं। पहले तो वो वैसे ही थे, लेकिन अब वहाँ पे गांव वालों ने पैसे उससे कलेक्ट करके वहाँ पे एक मंदिर बना दिया है। तो मैं आपको ले चलता हूँ जखनी देवता। मैं यहाँ पे जखनी देवता के पास पहुँच चुका हूँ और यहीं पे मंदिर है नीचे, अभी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ से मैंने ऊपर से देखा था तो झंडा दिखाई दे रहा था। तो चलते हैं नीचे। नीचे ये हल्का सा पीला झंडा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है मंदिर। और यहाँ से इधर से नीचे जा रहे हम। एक चीड़ का पूरा पेड़ गिरा हुआ है, तो मैं इसी के रास्ते नीचे जाने की कोशिश करूँगा। डेंजर तो हो रहा है, लेकिन मज़ा भी आ रहा है जाने में। अगर गिरा तो एक आध हड्डी तो ज़रूर निकलने वाली है। तो यहाँ पे पीछे है मंदिर, वहाँ पे थोड़ा छाया है तो इस कारण मंदिर दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं सीधे आपको मंदिर के पास, और ये आ गए हम जखनी देवता के मंदिर में। और ये है जखनी देवता। जय हो भूमियाल देवता, सदा जय हो। और ये आप जो देख रहे हैं, ये कटे हुए हैं, ये जो पेड़ हैं ये आप देख सकते हैं पूरा। और यहाँ पे ये अब तो थोड़ी गुफा सी थी, ये पत्थर पुत्थर लगा दिए अब, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ये दूसरा खेत वूत भी था, इसे निकालने की भी हम नीचे गांव तक ले जाना चाहते थे, लेकिन बहुत भारी 25-25-30-30 लोग इसे निकाल नहीं पाए थे। और इनकी स्थापना यहीं पे कर दी गई, और यहीं पे हर गर्मी में आके हम जून में इनकी पूजा करते हैं। तो ये है जखनी देवता। और हमारे पूर्वज दादा दादी लोग हमें बताते थे कि जब गोरखाओं ने यहाँ पे आक्रमण किए थे, तो उसी टाइम उन्होंने जो हमारे जखनी देवता हैं, भूमियाल देवता हैं, ये गांव में आवाज़ लगाते थे गांव की रक्षा करने के लिए। और जैसे ही गोरखाओं को पता चला कि यहाँ पे कोई है जो गांव वालों को सचेत कर देता है पहले ही, तो उन लोगों ने यहाँ पे आके इनके जो ये पैर थे, क्योंकि वो बाकी तो अंदर घुस चुके थे, ये पेट का हिस्सा है पूरा, और ये पैर थे जो नीचे जांघों से नीचे उन्होंने ये काट दिए हैं, जो हमारे यहाँ पे हम इन्हें जखनी देवता के नाम से ही जानते हैं, और जखनी देवता ही बोलते हैं, वैसे भूमियाल देवता है हमारे। तो उनके पैर काट दिए हैं। और यहाँ पे नीचे हमारे गांव के नीचे, भट्टी गांव के नीचे एक नगर गांव है, तो हम तो वहाँ पे कभी जा नहीं पाए, लेकिन लोगों ने जब हमने जाँच पूछ की तो लोगों ने बताया कि वहाँ पे ये जो इनके नीचे के ये पैर हैं, जो नीचे का कटा हुआ हिस्सा है, वो नीचे
नगर के कहीं जंगल में पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे भी हम एक दिन ज़रूर जाएंगे और आपको बताएंगे कि वो कहाँ पे हैं। और बाकी का हिस्सा जो हमारे भुमियाल हैं वो अंदर गुफा के अंदर चले गए थे, तो जो पैर थे उन्होंने काट दिए थे, और नेपाल के ही जो गोरखा होते थे उन्होंने ही यहाँ पे जो हमारे भुमियाल देवता है उनके पैरों को काटा था। और वो लोग उरखेले होते हैं पहाड़ों में, जिनमें कि धान और आप धनिया इत्यादि कूटा जाता है, मसाले इत्यादि कूटे जाते हैं। हमारे जो धान होते हैं सट्टी होते हैं, उस सट्टियों को कूटा जाता है जो ओखली में और गंजीले से, तो वो ओखली बनाते थे। और मतलब हमारे पूर्वज ही कहते हैं कि वो उस ओखली में क्या करते थे कि जो बच्चे ले जाते थे उन बच्चों को उसमें कूटते थे, ये हमारे पूर्वज हमें बताते हैं। और उसके परिणाम आज भी देखने को मिलते हैं कि हकीकत में उन्होंने जंगलों में जहाँ भी उनको बड़े बड़े पत्थर मिले वहाँ पे उन लोगों ने उरखेले जो है वो बना रखे हैं। और मैं आपको उरखेले भी दिखाऊंगा। तो ये थे जखनी देवता, जो कि गोरखाओं द्वारा इनके पैर काटे गए थे। और जहाँ पे ये मंदिर है उसके आसपास का जो नज़ारा है पूरा चीड़ का जंगल है, ये आप देख रहे हैं। और गांव के ठीक ऊपर चोटी में बसा हुआ है, और घने चीड़ के जंगलों के बीच है हमारा भुमियाल देवता जखनी देवता। और मैं ये बकरियां लेके अब घर जा रहा हूँ, दो बज चुकी हैं, और उसके बाद घर में बकरियों को बांध के खाना खाऊंगा और फिर जाऊंगा खेत में। तो चलता हूँ घर। देखिए गरुड़। तो दोस्तों, मैंने और हमारी जो भाभी आई थी और नीलम ने मिलके यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 6 क्यारी प्याज के लिए बना दी है। और अभी पीछे इतना बड़ा खेत और है, और अगर इसमें और बना दी जाए तो अभी इसमें टोटल अगर देखा जाए तो 24 या 22 क्यारियाँ प्याज की आराम से बन जाएगी। तो आज बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहा, बहुत काम रहा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और आपको वीडियो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर भी करें। और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।